एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग, मैं गुंजन, रचना की कजन। ऑफ कोर्स आई नो यू गुंजन। सर, मुझे आपसे दो मिनट बात करनी थी रचना के बारे में। अभी नहीं, फिलहाल मैच की तैयारी चल रही है, मैं बिजी हूँ थोड़ा। सर प्लीज जस्ट टू मिनट्स। ठीक है गर्ल्स, प्रैक्टिस जारी रखो, आइए। सर मैं जानती हूँ आप रचना से नाराज हैं क्योंकि उसने हॉकी मैच से ड्रॉप आउट किया, एंड आपको होना भी चाहिए, लेकिन सर उसकी भी मजबूरी है। उसकी फैमिली में हॉकी को लेकर, इनफैक्ट किसी भी स्पोर्ट को लेकर काफी रोक टोक है। वो पुरानी सोच है ना कि लड़कियां खेल कूद में। मैं जानता हूं, और रचना पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि अगर तुम्हें वाकई खेल से प्यार है, अगर हॉकी खेलने का जुनून है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खेलने से रोक नहीं सकती। गर्ल्स ये संध्या है, आज से ये डिफेंस खेलेंगी रचना की जगह पे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हेलो मौसी जी, मैं गुंजन। हाँ बोलो बेटा। आपको मेरा एक बहुत जरूरी काम करना होगा जल्दी। क्यों, क्या हो गया बेटा? मौसी जी रचना को जल्द से जल्द कॉलेज भेज दीजिए, उसकी टीम को उसकी सख्त जरूरत है, नहीं तो बाद में उसे दुख होगा कि उसने इतना इम्पोर्टेंट मैच मिस कर दिया। प्लीज मौसी जी कुछ करिए जल्दी। मगर लेकिन बेटा मतलब ऐसे कैसे हम? मौसी जी देयर इज नो टाइम, प्लीज ना मत करिए। अच्छा ठीक है बेटा, हम कुछ करते हैं। अपना बायां पैर आगे रखो। मम्मी, बेटा 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 संभाल संभाल। मम्मी देख कहीं कड़िया कड़िया नहीं सुंदर है ना? देखो बेटा, तुम्हारे लिए नई फ्रॉक मम्मी ने दिया है। हम ये नई पहनेंगे। अच्छा बेटा, हम आपके लिए दूसरी ले आए। अब तो अपनी मम्मी के पास आ जाओ। मम्मी क्लास फर्स्ट आई हूं। रचना एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, उसका फ्यूचर हॉकी में बहुत ब्राइट है सर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी बेटियों का भविष्य कहां और किस में है, इसलिए मेहरबानी करके आप यहां आगे से आने का कष्ट मत कीजिएगा। नो, मैंने जिस बच्ची को अपने कोख में संभाला उसके एक एक कपड़े को अपने हाथों से सिया, उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना खाना सिखाया। रचना ये लो, ये तुम्हारे लिए, पहन लेना। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? अच्छा सुनो, हमने ना तुम्हारे लिए सुंदर सी साड़ी भी निकाल के रखी है, वो भी पहन लेना। हम्म,
सपने जो देखे थे वो टूटे हैं, जोड़ू मैं अब उसे कैसे। अपनी माँ से क्या क्या छुपाओगे बेटा, अब तुम इतनी बड़ी हो गई कि हम तुम्हारे आंसू भी नहीं पोंछ सकते। नहीं मम्मी, हम क्या रो रहे, देखिए ना हम बिल्कुल नहीं रो रहे। वो हम अपना कमरा साफ कर रहे थे, आज शाम को हमारी सासू माँ आ रही है ना, इसलिए। भैया आप कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, आज का अखबार ढूंढ रहा हूँ। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि पूरा भरा पड़ा है हॉकी मैच की खबर से। अब स्वामी विवेकानंद कॉलेज की 30 साल की हिस्ट्री में ऐसा दिन पहली बार आ रहा है कि ये लोग नेशनल लेवल क्वालिफाई कर जाएं। भाई है कहाँ आज का अखबार, जरा देखे तो सही। अरे सारे काम घर बैठे बैठे नहीं होते, अखबार अखबार छोड़ो और चलकर लाइव टेलीकास्ट देखो स्वामी विवेकानंद कॉलेज की फील्ड में। पता है मैं तो अपनी गर्ल्स को फुल ऑन चीयर करने वाली हूं। जरा सोचो इतने सारे लोग, सॉलिड सस्पेंस और भयानक कंपटीशन, इट्स गोना बी सो एक्साइटिंग। आज मैच नहीं महामैच होने वाला है, चलोगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगा। कौन कहाँ चल रहा है जरा हमें भी तो पता चले। मौसी जी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, पता है पूरे कॉलेज में सिर्फ मैच का ही टॉपिक है, क्लास कॉरिडोर कैंटीन हर जगह सब लोग सिर्फ मैच ही डिस्कस कर रहे हैं। पापा ने हमें भी इजाजत दे दी? हाँ मतलब खेलने की इजाजत दी है या देखने की? आपने ठीक से तो सुना ना? हाँ बाबा, हमें देखने की और तुम्हें खेलने की। लेकिन तुम्हारी मर्जी, अगर तुम नहीं खेलना चाहती हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा। हम चले? नहीं नहीं मम्मी, हमारा खेलने का मन है, बल्कि बहुत बहुत है। पता है मम्मी, आपने आपने भी बहुत बहुत अच्छी खबर सुनाई है। थैंक यू मम्मी। अभी अगर पापा ने हमें इजाजत दे ही दी है तो हम अपना स्पोर्ट्स गियर और हॉकी स्टिक लेकर आ रहे हैं। ओह हेलो, यहाँ देखो पहले। अच्छा सब तैयारी करके निकले थे। हमें अपने जूते तो लेकर आने दो। मौसी जी आप भी ना, इन सब प्लान की क्या जरूरत थी? अगर हम ये सब नहीं करते तो उसे हमारी बातों पर यकीन कैसे होता? मत भूलो कि हम रचना की माँ हैं, हम उसे अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन मौसी जी, क्या मौसा जी ने सच में मैच खेलने की परमिशन दे दी है? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।